देख वहां तो नहीं रह गया। कहाँ मम्मी? वहां पे नहीं, हो गया। चल यहाँ का तो हो गया, अब तो ऐसा कर फटाफट पंखा और साफ कर दे। अच्छा ठीक है मम्मी। आज तो आप ऐसे सफाई करवा रहे हो जैसे दिवाली की सफाई हो रही हो घर में। बहू तू बात मत कर, फटाफट हाथ चला ले, फटाफट साफ कर इसे। बात तो बता दो, आपने ना मुझे सुबह से लगा रखा है सफाई में, मुझे बाकी और काम भी तो करने हैं। वो मैं करवा दूंगी तेरे साथ मिलके, पहले तू ये ऊपर के काम कर ले। नहीं पहले बताओ क्यों करवा रही हो इतनी सफाई। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि रेनू आने वाली है आज। हाँ तो उसके ना गिद्ध की निगाह है, अगर कहीं गंदगी दिख गई ना 100 बात सुनाएगी तुझे, और मैं नहीं चाहती वो तेरे से कुछ कहे। हाँ तो वो कौन से पंखों पे चढ़ चढ़ के देखेंगी कि साफ है कि नहीं है। आपने तो मुझे वहां तक की सफाई करवा दी, और घर है हमारा, हम जैसे चाहे वैसे रखें। बेटा तो उसे जानती नहीं है। अरे उससे तो मुझे भी डर लगता है, वो तो साफ सफाई को लेके इतनी मतलब पागल है कि वो मुझे भी सुना दिया करती। उसे तो हर काम परफेक्ट चाहिए बस। तू फटाफट कर, बात भी सुनती रहे और अपने हाथ भी चलाती रहे, जल्दी कर बेटा। पर दीदी आएंगी कब तक? अरे कभी भी आ जाएगी वो, उसका भरोसा है कुछ? मम्मी भाभी तो पानी देके गायब ही हो गई। अरे बनते बनते ही तो बनेगी, ला रही है अभी। ये टीवी के कोने पे इतनी धूल जमी पड़ी है, भाभी साफ सफाई नहीं करती क्या? कहाँ, ये देखो। अरे रह गई होगी, मैं मार दूंगी कपड़ा। आप क्यों करोगी? भाभी का काम है, भाभी करेंगी। भाभी आपकी आंखें तो ठीक है ना, कमजोर तो नहीं हो गई? नहीं तो दीदी। ये टीवी के कोने पे इतनी धूल जमी पड़ी है, थोड़ा कपड़ा मार दो तो साफ हो जाए। अब इतनी महंगी चीज है, भाभी थोड़ा ध्यान रखा करो। कर दूंगी दीदी साफ, अभी ध्यान नहीं गया होगा मेरा इस पे। कर दूंगी नहीं, अभी करो इसे, फिर भूल जाओगी। कपड़ा लाओ और साफ करो इसे हाथ के हाथ। भाभी चाय तो कम से कम ढंग की बना देती, पत्ती नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें, दूध उबाल के रख दिया आपने तो। दीदी आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपकी चाय में और पत्ती डाल के उबाल देती हूँ। वो क्या है ना, मैं और मम्मी जी ऐसी ही चाय पीते हैं। रहने दो अब, मैं खुद ही बना लूंगी। अब चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। बेटा तू चुप ही रहना जब तक ये यहाँ है, बस ये यहाँ शांति से चली जाए। तू अपने मुंह से कुछ मत बोलियो इसको, नहीं तो है ना घर में कलेश करवाए बगैर जाएगी नहीं। भाभी कैसा गीला गीला पोछा लगा रही हो, आपको तो पोछा लगाना भी नहीं आता ढंग में। अरे ऐसा गीला पोछा लगाओगी ना, कोई आएगा तो हाथ या पैर के निशान बनते चले जाएंगे। भाभी इसको कस के निचोड़ो, तब देखो तब सूखेगा हाथ के हाथ ये। दीदी मैं अच्छे से निचोड़ के ही लगा रही हूँ। लाओ ये पोछा मुझे दो, अब देखना मैं लगा के दिखाती हूँ आपको पोछा। अब देखो ऐसे निचोड़ते हैं इसको, इतना अब निचोड़ा है अच्छे से। अब देखना अब ऐसा पोछा लगेगा हाथ क्या सूख जाएगा। बहुत हो गया, अब और नहीं, ना तो बता देती अच्छे से मैं, बस मम्मी की सोच के रह गई। अब इसमें उनकी क्या गलती है? बेटा मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूं उसकी इन आदतों से। मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूं पर वो समझने की कोशिश ही नहीं करती। थोड़े दिन की बात है, वो अपने ससुराल चले जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी अब तक आपने समझाया है, एक बार मैं समझा के देख लूँ अगर आप कहो तो। तू? हाँ पर आप ना हम दोनों के बीच में नहीं बोलोगे। ठीक है बेटा, तू भी माथा मार के देख ले उससे, हाल तो उससे है ना कुछ कहने का फायदा है नहीं, मैं तो खुद हार गई हूँ। अब आप देखना ये क्या
इनकी मुंह भी सीधी हो जाएगी। क्या मम्मी जी, मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी, मैं तो बस वो कहावत होती है ना, वो कह रही थी। आप तो बहुत अच्छी हो। फिर ठीक है दीदी, देखना ये कपड़े सही धुले हैं नहीं धुले। सही धुले मतलब? सही धोए होंगे आपने, धोए हैं तो मैं क्या देखूँ इसमें? नहीं दीदी, एक बार अच्छे से चेक करके बताओ आप। हाँ ठीक है। ओहो, ननद रानी तो फेस पैक लगा के बैठी है। अब देखो असली ग्लो तो अब आएगा चेहरे पे। दीदी क्या है भाभी, आराम से भी तो बोल सकती हो, डरा दिया मुझे। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, मैंने ना खीर बनाई थी, आप एक बार चक्का बताओगे कैसी बनी है? मैं क्या आपको हर चीज चेक करने वाली लगती हूँ? कभी पोछा चेक करवाती हो, कभी कपड़े चेक करवाती हो, अब ये खीर हो क्या गया आपको? मुझे नहीं हुआ, आपको हुआ है। मुझे क्या हुआ है? वहम। आपको ही वहम रहता है कि मैं सही से काम नहीं करती, है ना? दीदी हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, मुझ में भी है। पर नहीं, आपके तो दिमाग में वहम है कि मैं परफेक्ट हूं, बस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। जब से आप आए हो मेरे हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकाले जा रही हो आप। एक बात पूछो दीदी, अगर आपकी नंद आकर आपके कामों में ऐसे कमी निकालने लगे तो? या मेरी भी भाभी है, मैं अपने मायके जाकर मैं ऐसे भाभी के कामों में कमी निकालूं तो? जैसे आप ये चलतर यहाँ दिखाती हो ना, अगर मैं वहां दिखाऊं तो मेरी भाभी एक दो दिन तो बर्दाश्त करेगी, फिर तीसरे चौथे दिन यही कहेगी कि दीदी आप अपने घर ही जाओ, वहीं ठीक हो, या हमें चैन से रहने दो। तो मुझे मजबूर मत करो आप कि ऐसा विचार भी मेरे दिमाग में आए, समझे आप? शायद भाभी आप सही कह रहे हो, मैं ही अपनी आदत से परेशान हो गई हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी आदत सुधारने की। कोशिश नहीं दीदी, सुधारनी पड़ेगी, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा, समझी ननद रानी?